हिमाचल प्रदेश में अब तक लॉकडाउन पूर्ण रूप से सक्सेसफुल रहा है, इसका श्रेय हिमाचल वासियों को जाता है और इससे हिमाचल प्रदेश में एक ट्रांसमिशन रोकने में हम काफी हद तक कामयाब रहे हैं। और हमारे मुख्यमंत्री महोदय रोज डीसीएसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं और इस वजह से भी उनमें एक उत्सुकता और कमिटमेंट देखने को मिला है। अभी तक हिमाचल प्रदेश में 21 कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेस जो है इस वक्त अंडर ट्रीटमेंट पे हैं और इनमें से भी जो नकरो के 3 तबलीग जमात के जो लोग पॉजिटिव पाए गए उनका कल नेगेटिव हुआ है, लेकिन इसके बारे में दोबारा टेस्ट होना अनिवार्य है। दूसरा टेस्ट के उपरांत ही हम कह सकते हैं कि ये कोरोना वायरस के नेगेटिव हो चुके हैं। तो हम कह सकते हैं कि आगे का बढ़ोतरी नहीं हुई और 21 का 21 सिर्फ तबलीग जमात के संबंधित लोगों में ही हुआ है और कम्युनिटी ट्रांसमिशन अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है। कुछ बातें हमारे नॉलेज में आया है जो अन्य राज्यों में देखने को मिला है कि कुछ अधिकारीगण ये प्रिविलेज मिसयूज करते हैं, अपना गाड़ियों को घुमाते हैं, दूसरों को लिफ्ट देते हैं, बच्चों को घुमाते हैं। शायद ये हिमाचल में भी हो सकता है, लेकिन मेरी अनुरोध है पुलिस अधिकारियों से तथा अन्य अधिकारियों से इस तरह ना करें। हम सब बराबर है, आम जनता और अधिकारियों में कोई फर्क नहीं है और गाड़ियों को बिल्कुल मिसयूज ना करें, इसको कभी एक प्रिविलेज ना समझें। एक बात और हमारे ध्यान में आया है कि लिकर बैन के उपरांत जो ब्लैक मार्केटिंग लिकर का हो रहा है और साथ में हूच डिस्टिलेशन की वजह से जो देशी शराब लोग पीते हैं ये बहुत खतरनाक है, इससे आपका अंक जा सकता है और आप मर भी सकते हैं। कृपा करके ये देशी शराब को अवॉइड करें, इसको बनाना नहीं चाहिए और पीना भी नहीं चाहिए। एक और बात ध्यान में आया है कि लोग अभी भी सिगरेट पी रहे हैं, तो सिगरेट पीना जो है बहुत खतरनाक है। अगर COVID-19 आप संक्रमित हो जाते हैं सिगरेट पीते हैं तो जल्दी एग्रवेट होता है। चाइना में जो कोरोना वायरस के डेथ मेन में विमेन के कंपैरिजन में डबल हुआ है, क्योंकि 50% मेन वहां पे स्मोकिंग करते हैं और इससे एग्रवेट हुआ है और डेथ ज्यादा वहां पे हुआ है। इसलिए स्मोकिंग को अवॉइड करना चाहिए, हार्ट पेशेंट्स खास तौर पर प्रिकॉशन लेना चाहिए और गुटखा पान मसाला केनी वगैरह हिमाचल में बैंड है, इसको ना यूज करें और च्यूइंग गम भी इस्तेमाल ना करें। और गांव के प्रधान या पंचायत के मेंबर्स जो है अगर कोई कोरोना वायरस का सिम्टम को देखते हैं गांव में किसी को भी, तो हेजिटेट ना करें, तुरंत हेल्थ अथॉरिटीज को बताएं ताकि उसका तुरंत ट्रीटमेंट कर सके। और एक और फ्रॉड जैसा हो रहा है जो पीएम केयर्स के जो फंड है इसका फ्रॉड लिंक्स बनाए हुए हैं, इसलिए आपको लिंक यूज करते वक्त कॉशियस रहना चाहिए, वेरीफाई करना चाहिए। बेहतर ये होगा कि सरकार का ऑफिशियल साइट पर ही जाइए या हमने अपना फेसबुक में डिटेल दिया है तो सीएम केयर फंड या सीएम कोविड फंड के, उसको डिटेल को फॉलो करें और उसी में जमा करें। आज गुड फ्राइडे है, आज का दिन जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया गया है, ये त्याग और बलिदान का दिन है। जीसस क्राइस्ट व्हेन ही वाज क्रूसीफाइड उन्होंने कहा था, गॉड फॉरगिव देम दे नो नॉट व्हाट दे आर डूइंग। इसमें सिर्फ क्राइस्ट, नॉट ओनली जीसस क्राइस्ट ने उनको माफ किया, उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया कि भगवान इनको माफ करे। ये माफी एक चीज इस वक्त हमको सीखना चाहिए और जो भूत में जो कुछ हुआ है उसको भूलना चाहिए और वर्तमान को बड़ा खुशी से बिताना चाहिए, लिव द प्रेजेंट। और इसका एक बेस्ट एग्जांपल नेल्सन मंडेला है। नेल्सन मंडेला को 27 साल तक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया, उनको पीटा गया और उनसे माइनफील्ड में काम कराया गया, टॉर्चर किया गया, लेकिन 27 साल के उपरांत जब वो साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति का वोट ले रहे थे तो उन्होंने जितने भी जेलर्स थे जिन्होंने उनको बुरी तरह पीटा है उनको फ्रंट रो में बिठाया और
जो जजेस और अधिकारियों को सेकंड रो में बिठाया, वो ये मैसेज दिया दुनिया को कि जो कुछ बीत गया उसको भूलना चाहिए, उसको मन में नहीं रखना चाहिए। और प्रॉफेट मोहम्मद ने भी कहा कि अल्लाह लव्स दोस हु सैक्रिफाइस देयर कंफर्ट्स फॉर द सेक ऑफ अदर्स। अल्लाह उन लोगों को पसंद करेगा जो जिन्होंने अपना कंफर्ट्स दूसरों को भलाई के लिए छोड़ा है। और प्रॉफेट मोहम्मद ने यह भी कहा है कि अल्लाह लव्स दोस हु गिव चैरिटी विदाउट डिस्क्लोजिंग देयर आइडेंटिटी। अपना पता बताने बताया बिना जिन्होंने चैरिटी किया उनको अल्लाह ज्यादा पसंद करते हैं। हिंदुइज्म में भी यही लिखा है, हमारा ऋग्वेद में लिखा है, ना कर्मण प्रजाया धने न त्यागे नैके न अमृतत्व मानुषाः। लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट, द इनर हैप्पीनेस विल कम नॉट विद वेल्थ, नॉट विद रिचुअल्स, नॉट विद चिल्ड्रन, इट कम्स अलोन विद सेल्फलेस सैक्रिफाइस। सो सेल्फलेस सैक्रिफाइस जो है ये सब जगह तमाम रिलीजन में इसके बारे में बताया गया है, और यही हमको इस वक्त आज के दिन में सीखना है। और मैं पुनः अनुरोध करता हूं, अपने आप का बचाव के लिए उचित कदम उठाइए और पीएम केयर और सीएम कोविड फंड में पैसा जमा करिए अगर कर सकते हैं तो, और एक दूसरे का मदद करिए, भाईचारा बना रखे और प्यार मोहब्बत की बातें करें एक दूसरे कम्युनिटी के अंदर, और हम सब मिल के दुआ करें कि दुनिया रोग मुक्त हो जाए। धन्यवाद। जय हिंद।